हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज की वीडियो में हम डिस्मोन कार्बन शेयर का एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक का प्राइस में किस टाइप का चार्ट सेटअप बन रहा है एंड आने वाले टाइम में क्या प्राइस एक्शन बनने का प्रोबेबिलिटी है। उससे पहले अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए, इस स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए क्वेरी था यहाँ पे राज जी का, उसके साथ इस स्टॉक का प्राइस में बहुत एक इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप बन रहा है जो कि आगे हम डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। एंड हमेशा से किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले एक बार आपको पता होना चाहिए वो जो स्टॉक है कौन सा सेक्टर से एंड इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है। अगर आप इस स्टॉक का सेक्टर देखेंगे वो है फार्मा का एंड इंडस्ट्री है फार्मा इंडियन बल्क ड्रग्स का। देखिए, मार्केट कैप है इस कंपनी का 2628 करोड़ का, रिजर्व कैश कितना है 5778 करोड़ का, मार्केट कैप से डबल इसके पास रिजर्व कैश है एंड करंट प्राइस चल रहा है 168 का एंड बुक वैल्यू है 371। बुक वैल्यू का आधा दाम में स्टॉक का प्राइस ट्रेडिंग कर रहा है। डेप्ट इक्विटी है 0.38, बिलो वन डेप्ट इक्विटी आप यहां पे पॉजिटिव साइन मान सकते हैं। देखिए, इसका जो सेल्स तो ग्रोथ हो रहा है लेकिन नेट प्रॉफिट कॉन्स्टेंट नहीं है, लेकिन जिस टाइप का प्राइस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है शायद आने वाले टाइम में अगर प्राइस में ट्रिगर बन जाएगा तो नेक्स्ट 4 से 5 क्वार्टर इस कंपनी के लिए अच्छा होने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चार्ट सेटअप देखने को मिल रहा है प्राइस स्ट्रक्चर में भी उसके साथ राशियो चार्ट में भी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पे देखेंगे ना, प्रमोटर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 59% जो कि पॉजिटिव साइन है, भाई के पास है 9% के आसपास, DI होल्ड कर रहे हैं लोअर साइड के ऊपर 3.31 एंड यहाँ पे जो पब्लिक होल्डिंग है 28% एंड यहाँ पे जो पब्लिक कैटेगरी में मुकुल महावीर अग्रवाल जी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 0.23% जो कि पॉजिटिव साइन है, मुकुल जी यहाँ पे 5% से ऊपर होल्ड कर रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है इसका चार्ट सेटअप, चार्ट सेटअप का ट्रिगर बनेगा तो जो भी आने वाले टाइम में जो अर्निंग्स होगा ना, हम मानकर चलेंगे कि प्राइस उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी भी कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा होगा ना, वो पहले प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा एंड एक बार 40-50% मूवमेंट आने के बाद जाकर वहाँ पे 2 क्वार्टर के बाद आपको कन्फर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पे भी कुछ टर्न अराउंड एंड ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसे कि स्टॉक का प्राइस में जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे अप डाउन चल रहा है, नेट सेल्स तो ग्रो कर रहा है लेकिन प्रॉफिट का यहाँ पे अप डाउन का माहौल है। अगर प्राइस स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे एंड प्राइस स्ट्रक्चर में ट्रिगर बन जाएगा तो आने वाले टाइम में हम मानकर चलेंगे कि प्राइस उसको डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन है डिस्मोन कार्बन का, टाइम फ्रेम्स लेड हुआ है वीकली। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राइस देखिए 2008 में यहाँ पे पीक बनाया था जो कि लेवल था नियरली 390 के आसपास। उसके बाद देखिए प्राइस जब भी इस रेल लाइन के आसपास आ रहा है प्राइस को मल्टीपल टाइम सप्लाई देखने को मिल रहा है। तो अभी तो क्लियर हो गया रेल लाइन प्राइस के लिए मल्टीयर का रेजिस्टेंस जो कि बन रहा है 205 के आसपास। प्राइस जब यहाँ पे 205 के ऊपर सस्टेन करेगा यहाँ पे मल्टीयर का ब्रेकआउट आएगा। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 167 लेकिन यहाँ पे प्री अटेम्प्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ राशियो चार्ट। राशियो चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग बन रहा है जो कि आगे अभी हम डिटेल्स में कवर करेंगे। तो अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूं क्योंकि प्राइस अभी मल्टीयर का रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए रेडी है। तो देखिए, डेली टाइम फ्रेम में जिस टाइप का यहां पे कंसोलिडेशन करने के बाद इसका छोटा सा बेस बनाया है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो 21 सितंबर का हाई बना है नियरली 180 का, अगर इस हाई को प्राइस यहां पे ब्रेक कर लेता है 180 को इस लेवल के आसपास हम यहां पे 20-25% क्वांटिटी ले सकते हैं। 20-25% क्वांटिटी क्यों? क्योंकि अभी तक ब्रेकआउट कन्फर्म नहीं हुआ है। मानिए यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो हमारा लॉस छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी फुल्ली नहीं लिए हैं। तो अभी हम बड़ा ब्रेकआउट को प्री अटेंड कर रहे हैं। अगर हमारा ब्रेकआउट और हमारा एनालिसिस सही रह जाएगा, मतलब प्राइस यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक कर देगा, उसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगा वहाँ पे हम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो प्ले कर रहे हैं ना मॉल्टर का ब्रेकआउट, यहाँ पे हम 10-20% के लिए प्ले नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो मॉल्टर का ब्रेकआउट आएगा ना, हमको इजीली 70-100% का रिटर्न मिल सकता है। दैट्स व्हाई अभी के लिए अबव 180 हम 20-25% क्वांटिटी कैरी कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस स्विंग लो बिलो 152। ओके, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। हमारा जो वाटर टेस्ट क्वांटिटी जाएगा अबव 180 SLF 152, ये तो हो गया वाटर टेस्ट क्वांटिटी। मेजर क्वांटिटी कैसे प्ले करेंगे, मानिए आगे आने वाले टाइम में
प्राइस जो है यहाँ पे मूवमेंट करने के बाद इस लेवल के आसपास 200 नहीं तो 205 के आसपास एक बार इस टाइप का पुल बैक करेगा एंड इस स्विंग यहाँ को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक कर देगा। यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे एंड इस स्विंग लो के नीचे एसएल देंगे, नहीं तो प्राइस सेकंड सेटअप बना सकता है, डायरेक्ट ऐसा चला जाएगा, ब्रेकआउट के ऊपर चला जाएगा जो मॉल्टर के रेजिस्टेंस के ऊपर चल जाएगा, उसके बाद रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा, नहीं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो अबव 180 जाकर 20 से 25% कैरी कर सकते हैं। अगर 180 लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है तो जस्ट अभी वेट एंड वॉच करना है। ओके, ये तो हो गया प्राइस स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ राशियो चार्ट, डिकल वर्सेस निफ्टी 500 का राशियो चार्ट। देखिए राशियो चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है एंड बहुत एक स्ट्रांग बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बस एक बार ट्रिगर का वेट करना है। तो देखिए किस टाइप का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुली बन रहा है, बहुत ही रेयर ही आपको इस टाइप का राशियो चार्ट देखने को मिलेगा। प्राइस देखिए 2008 में जो पीक बनाया था यहाँ पे एक बेस बनाया था, देखिए यहाँ पे बेस था, बेस को प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक किया मतलब निफ्टी 500 के यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट किया था एंड जब भी प्राइस देखिए रेड लाइन के आसपास जा रहा था ना, इसका मीनिंग है कि जब भी यहाँ पे रेड लाइन के आसपास जा रहा था डिस्पोन कार्बन यहाँ पे निफ्टी 500 को अंडर परफॉर्म कर रहा था। एग्जैक्टली देखिए मल्टीपल टाइम मल्टी ईयर का अंडर परफॉर्मेंस के बाद प्राइस यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखिए एक बेस बना रहा है। देखिए कभी भी ना बॉटम में बेस नहीं बनाया था, हमेशा से नीचे आ रहा था आउट परफॉर्म कर रहा था, नीचे आ रहा था आउट परफॉर्म कर रहा था। फर्स्ट टाइम प्राइस देखिए यहाँ पे एक बार बेस बनाने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ए हो गया उसका कॉप एंड ए हो गया उसका हैंडल, एक बॉटम में जिस टाइप का रिवर्सल सेटअप देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी हाई है कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे जो ब्लू लाइन एंड रेड लाइन को वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोजिंग आएगा तो यहाँ पे कपल ऑफ मंथ्स या कपल ऑफ ईयर तक आउट परफॉर्मेंस आ सकता है, जो कि अभी ट्रिगर बना नहीं है, जिसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वाटर टेस्ट क्वांटिटी लेने के लिए। देखिए जिस टाइप का इंटरेस्टिंग सेटअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक बार वीकली क्लोजिंग आ जाएगा ए रेड लाइन एंड ब्लू लाइन के ऊपर तो इसमें तो हमको बड़ा प्रॉफिट मिलने का प्रोबेबिलिटी हाई है एंड गजब का सेटअप यहाँ पे राशियो चार्ट में देखने को मिल रहा है। बस आपको यहाँ पे वेट करना है एक बार ट्रिगर का एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि जब भी ट्रिगर बन जाएगा आपको जल्दबाजी में जल्दी प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, आराम से प्राइस 70 से 120-130% तक रिटर्न दे सकता है एंड अपसाइड तो हमेशा से अनलिमिटेड है। तो देखिए जैसे कि स्टॉक का प्राइस अगर आप इसका पी देखेंगे ना, पी थोड़ा हाई है कंपेयर टू इसका पीयर्स, जैसे कि सन फार्मा वगैरह है पी थोड़ा लो है लेकिन इसका थोड़ा हाई है। लेकिन अगर आने वाले टाइम में बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा, जैसे कि प्राइस स्ट्रक्चर अभी बता रहा है उसी हिसाब से, तो पी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो अभी जो हम बेट कर रहे हैं ना प्राइस स्ट्रक्चर के ऊपर एंड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है एंड ट्रिगर के बाद हम धीरे धीरे करके राइड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी प्राइस मूवमेंट करेगा कभी भी एक साथ मूवमेंट नहीं करेगा, हमेशा से मूवमेंट करने के बाद और एक बेस बनाएगा, सेकंड बेस के ऊपर हम क्वांटिटी वहां पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्लियर कट देख सकते हैं अभी तक ट्रिगर बना नहीं है। वाटर टेस्ट क्वांटिटी अबव 180 ट्रिगर बन सकता है लेकिन मेजर क्वांटिटी एक बार जब यहाँ पे ब्रेक करके जो 1-2 हमारा जो हायर हाई सेटअप 1-2 सेटअप उसका ट्रिगर बन जाएगा, तो ऐड करके एंड कैरी करना है। प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस एक बार उसका लाइफ हाई को टेस्ट कर सकता है। ओके, लेकिन अभी के लिए वाटर टेस्ट क्वांटिटी अबव 180 एंड बैलेंस क्वांटिटी आपको ऐड करना है, नहीं तो जब ट्रिगर बनेगा आपको लगेगा कुछ सेटअप बन रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से वहाँ पे रिव्यू करके और एक वीडियो वहाँ पे अपडेट करते हैं। एंड आज यूजल हमेशा से आपका क्वांटिटी रिस्क को मैनेज करना है विदाउट प्रॉपर रिस्क एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट नेट में प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपका कुछ डाउट है वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।